दोस्तों ये है हमारी मम्मी। मम्मी एक बार हाय कर दो। हाय। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये वो पेड़ है, यह है सहजन की सब्जी, यह है सहजन का पराठा। कैसा दिख रहा है दोस्तों? तो गाइस आज हम जा रहे हैं एक ऐसे पेड़ की तलाश में जो कि हमें एक अंकल जी ने बताया है, एक ऐसा आयुर्वेदिक पेड़ है जिसकी पत्ती से लेके टहनी से लेके फूल से लेके फल से लेके और उसकी जड़ तक सारी की सारी बिल्कुल संजीवनी बूटी का काम करती है। तो अंकल ने हमें जो ज्ञान बताया है आज उस ज्ञान को अप्लाई करने की बारी आ गई है और आपको दिखाने की बारी आ गई है। हाय। हाँ, तो ये मेरा भांजा जो कि कैमरामैन बनेगा और उस पेड़ को हम ढूंढने जा रहे हैं। कहाँ वो मिलेगा? उम्मीद है यहीं मिलेगा क्योंकि मैंने पता किया है कि पेड़ यहाँ पे है या नहीं हमारे घर के आसपास, तो सुनने में आया है कि वो पेड़ यहीं कहीं मिल जाएगा। तो थोड़ा देखता हूँ मैं क्योंकि मैंने वो नेट में सर्च मारा था और उस पेड़ का नाम मुझे पता चल गया है, तो मैं ढूंढने जा रहा हूँ उस पेड़ को। तो जैसे ही वो पेड़ मिलेगा सीधा आपको मैं बताऊँगा। दिख रहा है दूर से मुझे कुछ उस पेड़ की झलक दिख रही है एक, तो एक्साइटमेंट बना के रखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। यहीं कहीं होना चाहिए। ओ दिख गया, वो रहा दोस्तों। अभी मैं ले चलता हूँ आपको उस पेड़ को दिखाने के लिए। बहुत जल्द बिल्कुल तैयार रहिएगा दोस्तों, ये मिल चुका है। चलो भाई चलो फटाफट चलते हैं। वेलकम टू माई चैनल, दिस इज आकाशदीप नोटियाल। और अब मैं आपको जैसा कि बताया था उस पेड़ को मैं ढूंढ रहा था जो कि एक अंकल जी ने मुझे बताया है। और अंकल जी क्या वो मेरे मौसी के ससुर जी हैं, तो उन्होंने मुझे इस पेड़ के बारे में बताया था। बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक पेड़ है, तो वो पेड़ जस्ट मेरे पीछे है इस वक्त। तो गाइज ये पूरी टीम मेरे साथ है इस वक्त, सब मेरे चाचा ताऊ के लड़के हैं, चाचा ताऊ के लड़के हैं, मेरे भतीजे हैं सारे के सारे। हेलो करो बच्चे। तो एक बार अपने अपने नाम बता दो पहले। इधर से शुरू करते हैं, ईशानी से। चलो भाई ईशानी। रिशान नोटियाल। मेरा नाम रियांश नोटियाल है। अभय कैमरामैन। अब मैं आपको बता रहा था क्योंकि हम उत्तराखंड में रहते हैं, प्रकृति के बीच में रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाने लायक है। तो इस पेड़ को मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस पेड़ के बारे में बताता हूँ कि ये पेड़ क्या है। ठीक है बच्चों, देखोगे आप सबके सब? हाँ। तो दोस्तों देखो ये वो पेड़ है, गांव दराज में कहते हैं इस पेड़ को, कहते हैं सोंजना, सोंजने का पेड़ है ये। इस तरह का इसका तना होता है, छाल होती है, इसमें बारीक बारीक पत्तियाँ होती हैं, इसमें फूल भी लगते हैं। गाँव में इसे सोंजने का पेड़ कहते हैं, लेकिन जो इसका एक्चुअल नेम है जो कि आपको नेट में भी सर्च कर सकते हो, पेड़ का नाम है सहजन। सहजन का पेड़ है ये, लेकिन जितनी जानकारी मैंने पता की है शुगर वालों के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है, रामबाण दवाई है। इसकी पत्ती से लेके फूल तना लकड़ी जड़ सब के सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। और इसे सब्जी बनाएंगे, अधिक पराठा बनाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से बनता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इस पेड़ से पत्तियाँ तोड़ेंगे। तो गाइज रेडी हैं आप? तो आइए दोस्तों आपको इस पेड़ से वाकिफ कराया जाए और सीढ़ी लगा के कुछ टहनियाँ तोड़ी जाए। रेडी? ओके गाइस, हमने काट लिया है टहना और अब हम इनकी पत्तियों को एक एक करके चुनेंगे और अलग करेंगे टहनियों से। तो देखते रहिएगा वीडियो। तो दोस्तों इन टहनियों से हमें ये पत्तियां अलग करने तरीके से, ये तो आइए करते हैं। आपको क्या मजा आ रहा है इसमें? बताओ, बताइए सबको पूछूंगा। ये मुझे मजा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। अच्छा आपको मजा आ रहा है इसमें काम करते करते? हाँ। काम करते वक्त कोई मजा नहीं लेना, मजा आ रहा है। ये जितना काम करते हुए मजा आ रहा है ना, उतना ही मजा जब इसकी हम कुछ सब्जी बनाएंगे अभी। हाँ, तो सब्जी को खाने में और ज्यादा मजा आएगा और शरीर को ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी।
तो उसमें और ज्यादा मजा आएगा भाई, मजा ही मजा आएगा भाई। ये आपको सिर्फ एक बीमारी का इसका बताया है कि यहाँ शुगर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कसम से कह रहा हूँ अगर आप अभी इसे सर्च मारेंगे ना इसके बारे में, तो इसके बहुत ढेरों सारे फायदे हैं, ढेरों सारे। मेरा एक क्वेश्चन है, इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है? इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है ये, समझ रहे हैं। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इसका टेस्ट मैं आपको बताऊँ, कसैला टेस्ट होता है। और जनरली लोग क्या करते हैं, इसके इसमें फूल लगते हैं, उन फूलों का रायता बनता है और सब्जी भी बनती है, तो वो हम जनरली यूज़ करते थे। ये पत्ते वाला एक्सपेरिमेंट मैं भी आज पहली बार कर रहा हूँ कि इनके पत्तों से कुछ बना रहा हूँ। इसमें एक कली टाइप की लगती है फूल लगने के बाद, उस कली की भी सब्जी बनती है, अचार बनता है। आपको थकाई लग रही है? थकाई नहीं लग रही है मुझे इतनी ज़्यादा, मज़ा आ रहा है मुझे, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा। घर की ओर चलते हैं और आपको सीधा घर में जाके दिखाते हैं कि इसका हम क्या करने वाले हैं। ये टहनी निकाली और ये तो मामा जी आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे करने में। करना पड़ेगा भैया, व्यूअर्स दर्शकों को दिखाना है पूरा। प्याज है, एक टमाटर है, थोड़ा सा अदरक है और ये लहसुन है, इसको हम फटाफट से छील। तो गाइस देखिए ये कटिंग रेडी हो गई है, धनिया, प्याज, टमाटर, अदरक एंड लहसुन। धो लेते हैं थोड़ा सा पानी में, छान लेंगे सारा पानी। गैस ऑन कर दिया है गाइस। सरसों का तेल, हींग, जीरा और जखिया, लहसुन, ये हमने अदरक, प्याज, ये प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं, ये सहजन के पत्ते हमने काटे थे, थोड़ा सा डलेगा नमक, डलेगी हल्दी, मसाला डलेगा गरम मसाला, मिर्च वैसे हमारे यहाँ ज़्यादा खाते नहीं है तो थोड़ी मिर्च डलेगी, मीडियम आंच में पकने देंगे, थोड़ा पानी डाल देता हूँ, थोड़ा आटा ले लिया है, देंगे सहजन की पत्तियाँ, स्वाद अनुसार हल्की मिर्च, हल्का मसाला, हल्दी, फटाफट। तो गाइस आटा देखो मैंने तैयार कर दिया है, इस तरीके का आटा हुआ है कुछ बढ़िया सा। ये सब्जी भी तैयार हो गई है, ये हम रख देते हैं साइड में। लास्ट में डाल दिया हमने थोड़ा सा धनिया, रखते हैं आप तवा और बनाएंगे पराठा। पराठा बनाने के लिए अपन रेडी है और ये हमने बना दी है पेड़ा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, देसी घी, रेडी हो चुका है, उसको रख देंगे हम यहाँ पे। ये हमने निकाली थोड़ी सी सब्जी, सहजन की सब्जी, सहजन। और ये देखिए सब्जी दिखाइए आप, यह है सहजन की सब्जी, यह है सहजन का पराठा, कैसा दिख रहा है दोस्तों। तो आइए अब हम अपनी मम्मी को टेस्ट कराते हैं, सीधे बैठिए। तो ये लीजिए मम्मी, आप टेस्ट करके बताइए कैसा लग रहा है, थोड़ा पास हो। ये सब्जी है उसकी? हाँ। ये तो मेहंदी होगी, मेहंदी बोल दिया है सब्जी को। और ये पराठा है, ये इसका पराठा है, ये शुगर वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और मेरी मम्मी को अच्छा खासा शुगर चल रहा है, 250-300 रहता है जी। नहीं थोड़ा आप पास कीजिए, बाइट करते हुए दिखाइए। हाँ हाँ सच से बताओ कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, हम भी टेस्ट करके बताएंगे दोस्तों। और लाजवाब भाई, बहुत ही अच्छा है। मगर इसमें टाइम कितना लगा? टाइम बहुत लगा है इसमें, घंटे लग गए। टेस्ट है इसका, टेस्ट बहुत अच्छा है, हल्का सा कसैला है लेकिन बहुत मजा आ रहा है टेस्ट में, नई सब्जी। और सही बोलो, ये टेस्ट कराएंगे अपने कैमरामैन को, इधर आओ, यहां आओ, टेस्ट करके बताओ, सच से बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, अच्छा मजा आ रहा है, मजा आ गया दोस्तों। एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, सब्जी बहुत अच्छी बनी है और पराठे भी लाजवाब बने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बनी है।
बिल्कुल भी कड़वापन नहीं था उसमें। नमक मिर्च सब, नमक मिर्च बिल्कुल स्वाद अनुसार। ये है सहजन, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं सोनना। आप बताइए भाई जोशी। हाँ जी, कैसी बनी थी? अरे जबरदस्त, बढ़िया, वाकई में मजा आ गया, टेस्टी थी। तो सबने तारीफ की है, तो दोस्तों आप भी एक बार घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बनाने का, और उम्मीद है आपसे भी अच्छी सब्जी बनेगी। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है इसमें, बस नॉर्मली जैसी और सब्जी बनती है, हरी सब्जी वैसी सब्जी बन जाती है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सब्जी या पराठा नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। मेरे यहाँ वो पेड़ है, उसमें काफ़ी सारी अभी पत्तियाँ बची हैं, तो आपके घर मैं कुरियर करवा दूँगा, और मेरे को कमेंट करके आपको ज़रूर बताना पड़ेगा। सहजन, जिसको आप इंग्लिश में ड्रम स्टिक भी बोल सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया है तो वही सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा करते हुए। ओके गाइस, बाय। वीडियो को लाइक लाइक अच्छा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब हाँ सब्सक्राइब। हेलो गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आईफोन का टेस्ट यहाँ पे।